हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं ऋषिकेश का प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर। ये मंदिर त्रिवेणी घाट के पास में ही है। आप त्रिवेणी घाट से यहाँ पर पैदल भी आ सकते हैं। ये मंदिर ऋषिकेश के इतिहास से जुड़ा हुआ है। शायद बहुत से लोग नहीं जानते कि इसी मंदिर की वजह से ही ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश पड़ा है। आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ श्री भरत मंदिर, जिसकी 108 परिक्रमा ही बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के समान मानी जाती है। तो आप कुछ समय के लिए हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले जानते हैं कि ऋषिकेश का नाम ऋषिकेश क्यों पड़ा। कहते हैं कि यहाँ पर सोम और रभ्य ऋषि ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए थे और भगवान विष्णु ने तब वरदान दिया कि तुमने अपनी इंद्रियों को वश में करके मेरी आराधना की, इसलिए यह स्थान ऋषिकेश कहलाएगा और मैं कलयुग में भरत नाम से विराजूंगा। चलिए अब जानते हैं इस मंदिर का पौराणिक इतिहास। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आपको एक पेड़ दिखाई देगा। ये देखिए, ये बहुत ही पुराना पेड़ है। चलिए अब मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर भगवान नारायण जी की बहुत ही पुरानी मूर्ति है। ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है, बल्कि यहाँ पर स्वयं प्रकट हुई है। और इस प्रतिमा के चरणों के दर्शन साल में एक बार होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन। अब की बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को है। कुछ लोग अक्षय तृतीया को आखा तीज के नाम से भी जानते हैं। और अक्षय तृतीया के अगले दिन चार धाम के कपाट खुलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन इस मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग परिक्रमा करने आते हैं। मैं भी यहाँ पर बहुत बार परिक्रमा करने आई हूँ। माना जाता है कि यहाँ की 108 परिक्रमा बद्रीनाथ तीर्थ यात्रा के समान है। इस साल 22 अप्रैल को आप भी यहाँ पर परिक्रमा करने जरूर आइएगा। यहाँ पर भोलेनाथ भी विराजमान हैं। ये हैं पातालेश्वर महादेव, ये भी स्वयं जमीन से प्रकट हुए हैं। इस मंदिर में दो पर्व मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी और अक्षय तृतीया। बसंत पंचमी के दिन भगवान की शोभा यात्रा निकाली जाती है। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़ने की कोशिश की। ये देखिए, अभी भी खंडित है ये मूर्ति। भगवान नारायण की मूर्ति को भी तोड़ने की कोशिश की, लेकिन भगवान नारायण की मूर्ति को छुपाकर कई दिन तक गंगा जी में रखा गया। और फिर भगवान आदि शंकराचार्य जी के स्वप्न में आए और उनको बोला कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और आदि शंकराचार्य जी ने मूर्ति निकाल के बसंत पंचमी के दिन प्राण प्रतिष्ठा की थी, इसीलिए यहाँ पर बसंत पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। और अक्षय तृतीया के दिन भी इसी स्थान पर 108 परिक्रमा की जाती है। यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, जिसमें हमारी प्राचीन धरोहर को संभाल कर रखा गया है। चलिए देखते हैं। ये विशाल प्रतिमा शिवजी की है और ये दूसरी सदी की बताई जाती है। ये है 5वीं सदी के कुछ पुराने बर्तन और ईंट पत्थर। और ये है 5वीं सदी के कमल के फूल की आकृति।
ये है 14वीं सदी की चैत्य द्वार शिलापट पर मानव मुख की आकृति और ये है 15वीं सदी की सिंह आकृति जो सामने से बिल्कुल पक्षी जैसी दिखती है और इसके ऊपर है 12वीं सदी की कल्कि अवतार की आकृति। यहाँ पर और भी आकृतियाँ बनी हुई हैं, आप यहाँ पर आकर सारी आकृतियाँ देख सकते हैं। ये धरोहर मंदिर में संभाल कर रखी गई हैं। मंदिर के साथ ही यहाँ पर संस्कृत विद्यालय भी है, ये देखिए। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर कुआं दिखाती हूँ। ये कुआं काफ़ी पुराना है, ये देखिए, लेकिन ये अभी बंद किया हुआ है। क्या आपको इस मंदिर की पूरी जानकारी पता थी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये मंदिर बीच बाज़ार में है, आप अपनी कार से भी यहाँ आ सकते हैं और टेम्पो से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। रेलवे स्टेशन से ये मंदिर 2 किलोमीटर दूर है और बस स्टैंड से ये मंदिर 1 किलोमीटर दूर है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय।